हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री। इस ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन फोर्थ, रासायनिक बलगतिकी की केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, इस रासायनिक बलगतिकी के अंदर अपनी चर्चा चल रही है कि ताप किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। प्यारे विद्यार्थियों, उसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अपन से पूछा जाता है और वो है अपना मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण आरेख। ठीक है, बात करेंगे अपन मैक्सवेल ओल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण आरेख। क्या होती है चीज, इस चीज को ध्यान से देखिए। मैक्सवेल ओल्ट्जमान के अनुसार अणु की ऊर्जा वितरण को सांख्यिकी के अनुसार प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कि मैक्सवेल और ओल्ट्जमान ये दो वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने ये बात बताई कि क्रियाकारक के जितने भी अणु हैं ना, उन क्रियाकारक के सभी अणु के पास कितनी मात्रा में ऊर्जा होगी, इस ऊर्जा वितरण को अपन सांख्यिकी के अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन कौन से अणुओं के पास कितनी मात्रा में अणुओं के पास कितनी ऊर्जा होगी, इस चीज को अपन सांख्यिकी के अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। इन्होंने सभी अभिकारक अणुओं की ऊर्जाएं समान नहीं होती, ये बोलते हैं कि सभी अभिकारक अणुओं की ऊर्जाएं समान नहीं होती है। ये अपन खुद भी जानते हैं कि भाई प्रत्येक क्रियाकारक का जो अणु होगा उसकी ऊर्जा समान नहीं होती है। जब अणुओं में परस्पर संगत होते हैं तो वे एक दूसरे को अपनी ऊर्जाएं स्थानांतरित करते हैं, यानी कि जब अणु आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से उनकी ऊर्जाएं एक दूसरे को स्थानांतरित हो जाती है और अणुओं की ऊर्जा और ऊर्जा युक्त अणु अंश में आरेख खींचा जाए तो इसे अपन मैक्सवेल ओल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि अणुओं की ऊर्जा कितनी है और उस ऊर्जा वाले अणुओं का अंश कितना है, इसके बीच यदि ग्राफ बनाया जाए तो उस ग्राफ को अपन मैक्सवेल ओल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख कहते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैक्सवेल और ओल्ट्जमान दो वैज्ञानिक हुए हैं। इन दोनों ने यह बताया कि अणुओं में ऊर्जा वितरण को सांख्यिकी के अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि जितने भी क्रियाकारक के अणु हैं उन सभी क्रियाकारक के अणुओं के पास जो ऊर्जा होती है वो समान नहीं होती है, सभी की ऊर्जाएं अलग अलग होती है और इन अणुओं की ऊर्जाओं को अपन सांख्यिकी के अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि जब अणुओं में परस्पर संघट होते हैं, जब अणु परस्पर टकराते हैं क्रियाकारक के अणु, तो वे एक दूसरे को अपनी ऊर्जाएं स्थानांतरित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ऊर्जाएं देते हैं और इस आदान प्रदान के कारण, इस ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण अपन बात करें कि ये जो अणु होते हैं इनमें किन्हीं अणुओं के पास ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, किसी के पास ऊर्जा कम हो जाती है। जब आदान प्रदान करेंगे तो उस कंडीशन में किसी के पास ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, किसी के पास ऊर्जा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से अणुओं की ऊर्जा और ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश, यानी उस ऊर्जा वाले कितने अणु हैं, इनके बीच यदि आरेख बनाया जाए तो उसको इन्हीं के नाम पर मैक्सवेल ओल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। इस प्रकार से डायरेक्ट आप लोगों से पूछेगा कि मैक्सवेल ओल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख बताइए, तो ये आरेख आपको यहां पर बताना है। अब देखो, आरेख जो बनाया गया है उसमें वाई अक्ष पर लिया गया है अणुओं का अंश और एक्स अक्ष पर लिया गया है क्या, ऊर्जा। ठीक है, वाई अक्ष पर अणुओं का अंश और एक्स अक्ष पर ली गई है क्या, ऊर्जा। अब सुनो ध्यान से, अपन इस आरेख को यदि ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझे, तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, जब अपन यहां से यहां पर ऊर्जा क्या है, जीरो है। ठीक है, जब लगातार इधर ऊर्जा बढ़ती जा रही है
देखो क्या हो रहा है, इधर जाने पर ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि। और देखो भाई यहां पर जैसे जैसे इधर जाते जा रहे हैं ऊर्जा में वृद्धि होती जा रही है, और इधर जाने पर जैसे जैसे ऊर्जा में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे अणुओं का अंश भी बढ़ रहा है। आ रही है बात समझ में? देखो यहां पर अणुओं का अंश जो है, यहां पर अणुओं का अंश इतना है, यहां पर अणुओं का अंश इतना है, यहां पर अणुओं का अंश इतना है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जैसे जैसे आप लोग इस तरफ बढ़ते हैं तो ऊर्जा बढ़ने के कारण अणुओं का अंश, यानी कि अणुओं के पास, जिन अणुओं के पास ऊर्जा बढ़ रही है उनका अंश भी लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से देखो, ठीक है, बढ़ता जा रहा है अंश। और देखो इस बिंदु पर जाकर क्या हो गया, अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा हो गई, यानी कि यहां पर अणु की गतिज ऊर्जा अधिकतम हो चुकी है। यानी कि देखो यहां तक आप लोग बात करें तो देखो लगातार इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ रही थी, ऊर्जा बढ़ने के कारण अणुओं का अंश भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और देखो ऊर्जा बढ़ते 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 अणुओं का अंश यहां पर क्या हो चुका है, अधिकतम हो चुका है। और ये जो जिस ऊर्जा पर अणुओं का अंश अधिकतम होता है उसे अपन अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा, उसको अपन बोल देते हैं। तो इस ग्राफ में एक बात आपको समझ में आ गई है कि जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ रही है वैसे वैसे अणुओं का अंश भी बढ़ रहा है, यानी कि ऊर्जा के बढ़ने के साथ अणुओं के अंश में वृद्धि हो रही है। और इस बिंदु पर जाकर ऊर्जा भी अधिक, ऊर्जा जो होती है उस इस बिंदु पर जाकर इस ऊर्जा पर आपके अणुओं का अंश अधिकतम हो चुका है। तो जिस ऊर्जा पर अणुओं का अंश अधिकतम होता है उसे अपन अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब अणुओं की ऊर्जा बढ़ रही थी, ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। अब एक बिंदु यानी कि इस बिंदु पर जितने भी अणु होंगे उनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम हो चुकी है भाई। अब उसके बाद अपन फिर क्या कर रहे हैं, ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। अब देखो इस बिंदु के बाद भी यदि ऊर्जा बढ़ाई जाएगी तो इसके बाद ऊर्जा बढ़ाने पर देखो अब क्या आ रहा है, अणुओं के अंश में कमी आने लगी भाई। इसके बाद भी अपन क्या कर रहे हैं, ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अणुओं के अंश में वापस क्या आने लग गई है, कमी आने लग गई है, परंतु ऊर्जा तो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ये जो यहां पर जाकर देखो आप लोग, ये ई जो आपको दी गई है ये होती है दहली ऊर्जा। क्या होती है, दहली ऊर्जा, यानी कि जैसे ही इतनी ऊर्जा इस दहली ऊर्जा के बराबर, जैसे ही अणुओं को, अभिकारक अणुओं को ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो इस दहली ऊर्जा पर वो अभिकारक अणु उत्पाद में रूपांतरित हो जाएंगे। किसमें, उत्पाद में रूपांतरित हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा क्या, आपने यहां पर यह देखा कि किसी भी अणु की ऊर्जा इस बिंदु पर ज्यादा थी, ऊर्जा ज्यादा थी तो इसका मतलब यह हुआ इस बिंदु पर उसे किसमें बदलना चाहिए था, उत्पाद में रूपांतरित हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कोई भी अभिकारक अणु उत्पाद में रूपांतरित तभी हो सकता है जब उसे कितनी ऊर्जा मिले, दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मिले, तभी वो क्या हो सकता है, उत्पाद में रूपांतरित हो सकता है, ठीक है। अब देखो दहली ऊर्जा प्राप्त करने वाले अणुओं का अंश कितना है, तो देखो दहली ऊर्जा प्राप्त करने वाले अणुओं का अंश तो केवल इतना सा है, देखो ये वाला, ठीक है, इनके अणुओं का अंश तो क्या है, इतना है, ठीक है। और जब इतने अणुओं को दहली ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो केवल यही अणु क्या होंगे, प्रभावी संघट कर पाएंगे, और प्रभावी संघट करेंगे तो आसानी से ये उत्पादों में रूपांतरित हो जाएंगे। तो मैक्सवेल और ओर्ट्ज़मान ये बोलते हैं कि भाई जहां तक अणुओं को दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी वहां तक वो प्रभावी संघट नहीं कर पाएंगे, और प्रभावी संघट नहीं कर पाएंगे तो वो उत्पाद में रूपांतरित नहीं हो पाएंगे,
ये बात ये बोलते हैं। और यही चीज मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, कि आरेख से स्पष्ट है कि कम ऊर्जा तथा अधिक ऊर्जा वाले अणु का अंश अपेक्षाकृत कम होता है। देखो कम ऊर्जा वाले जो अणु हैं, कम ऊर्जा वाले अणु हैं उनका अंश देखो ये है, इतना सा कम ऊर्जा है ना यहाँ पर, तो कम ऊर्जा वाले अणु का अंश भी क्या है, कम है। और ज्यादा ऊर्जा वाले अंश, देखो इस चीज को मैं आपको समझा दूं यहां पर, कि कम ऊर्जा वाले अणु का अंश भी क्या है, कम है, देखो केवल इतना सा है ये वाली चीज, ठीक है, इनका अंश इतना सा है। और ज्यादा ऊर्जा वाले अणु का अंश भी देखो केवल कितना सा है, ये मान लो आप इतना सा, ठीक है। तो कम ऊर्जा वाले तथा अधिक ऊर्जा वाले, ठीक है, कम ऊर्जा वाले का अंश देखो इतना सा है, अधिक ऊर्जा वालों का अंश भी क्या है, इतना सा है, देखो ये, ठीक है ना। तो आरेख से स्पष्ट है कि कम ऊर्जा तथा अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश अपेक्षाकृत कम होता है तथा अधिकांश अणुओं का अंश मध्यवर्ती गति ऊर्जा युक्त होता है। यानी अधिकांश अणुओं का अंश कौन सा होगा, मध्यवर्ती गति ऊर्जा युक्त है। देखो जिनकी गति ऊर्जा क्या है, मध्यवर्ती, बीच वाली, ना तो कम न ज्यादा, ठीक है। तो देखो कम ऊर्जा वाले अणुओं का अंश भी कम है, अधिक ऊर्जा वाले अणु का अंश भी क्या है, कम, परंतु जो मध्यवर्ती गति ऊर्जा वाले अणु हैं उनका अंश सबसे ज्यादा है, देखो, ठीक है। अब मध्यवर्ती वालों का ज्यादा होता है जो उच्चिष्ट द्वारा प्रदर्शित है, उच्चिष्ट मतलब सबसे ऊपर वाले शिखर से, यहां पर ये मध्यवर्ती गति ऊर्जा वाले अणु है, ठीक है। और ये जो चीज है ये क्या कहलाती है, मैंने आपको बता ही दिया है, ये अधिकतम संभाव्य गति ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। आगे बात करें तो आरेख में प्रदर्शित ऊर्जा E जो है वो देहली ऊर्जा है, ये जो E आपको दिखाई गई है क्या है, देहली ऊर्जा है, और ये प्रभावी संगठनों से उत्पन्न होती है। यानी आपको पता होना चाहिए देहली ऊर्जा उत्पन्न कैसे होगी, तो ये आपके प्रभावी संगठनों से उत्पन्न होती है, और यह क्रिया कारकों को उत्पाद में रूपांतरित करने में सक्षम होती है। ये तो अपन जानते ही है कि जहां तक किसी भी अणु को देहली ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी वहां तक वो उत्पाद में रूपांतरित नहीं होंगे। यानी यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ई जो है वो देहली ऊर्जा है और ये प्रभावी संगठनों से उत्पन्न होती है और यह क्रियाकारकों को उत्पाद में रूपांतरित करने में सक्षम होती है। ऊर्जा ई तथा उससे अधिक ऊर्जा युक्त अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं जो संपूर्ण ऊर्जा वितरण का एक छोटा सा अंश है। देखो यहां पर प्रभावी संगठन करने वाले या जिनके पास देहली ऊर्जा या उससे ज्यादा ऊर्जा है उन अणुओं का अंश तो देखो क्या है, कम है, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर बताया गया है कि ऊर्जा वितरण का अंश यहां पर क्या है, जिनके पास देहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा है उनका अंश बहुत कम है। यह देखा जा सकता है कि देहली ऊर्जा ई का मान, ध्यान रखो, देहली ऊर्जा ई का मान जितना कम होगा प्रभावी संगठनों की ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। भाई देखो भाई यहां पर क्या बात कर रहे हैं अपन, कि जैसे ई का मान, देहली ऊर्जा का मान जितना कम होगा प्रभावी संगठन करने वाले अणुओं का अंश उतना ही ज्यादा होगा। क्यों होगा भाई ऐसा, क्योंकि किसी भी अणु की देहली ऊर्जा कम है तो उसको कम ऊर्जा देने पर ही वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा और आसानी से उत्पाद में रूपांतरित हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका देहली ऊर्जा का मान जितना कम होता है प्रभावी संगठनों की ऊर्जा उतनी अधिक होती है और अभिक्रिया का वेग उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई जब प्रभावी संगठन अधिक मात्रा में होंगे तो अभिक्रिया का वेग अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, परंतु ई का मान बढ़ने पर, यानी कि देहली ऊर्जा का मान ज्यादा है तो फिर अणुओं को जहां तक उतनी अधिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी वहां तक सक्रिय होकर वो उत्पाद में रूपांतरित नहीं होंगे, यानी कि अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर किया, इस पर ये जो निर्भर किया है ये देहली ऊर्जा के ऊपर निर्भर किया है। यानी जहां तक अणुओं को, क्रियाकारक अणुओं को देहली ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी वहां तक वो उत्पाद में रूपांतरित नहीं होंगे। देहली ऊर्जा का मान जितना कम होगा प्रभावी संगठनों की मान उतना बढ़ेगा और प्रभावी संगठनों की संख्या बढ़ेगी तो वेग में वृद्धि हो जाएगी। परंतु यदि ई का मान, देहली ऊर्जा का मान ज्यादा है तो प्रभावी संगठनों की संख्या कम
कम होगी, प्रभावी संघटों की संख्या कम होगी, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया का वेग भी घट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपन को समझ में आई कहां से, मैक्सवेल ओल्ट्ज़मान ऊर्जा वितरण आरेख से। आशा करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को एक दो बार बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, यदि आप लोग इसको एक दो बार अच्छे से देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझ में आ जाएगी। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। T1 व T2 तापों पर अणुओं के ऊर्जा वितरण को निम्न प्रकार से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि यदि आपको अणुओं का ऊर्जा वितरण अलग अलग तापमान पर प्रदर्शित करना है, एक तापमान T1 है एक तापमान T2 है, इन दो तापमानों पर क्या करना है, अणुओं के ऊर्जा वितरण को प्रदर्शित करना है, तो उसको आप लोग इस ग्राफ की सहायता से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर T1 तापमान जो है ये कम तापमान है और T2 तापमान जो है वो ज्यादा तापमान है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग दो तापमानों पर, एक कम तापमान T1, ज्यादा वाला तापमान T2, इस तापमान पर आप लोग अणुओं के ऊर्जा वितरण को इस आरेख से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे T2 तापमान जो है वो T1 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। कितना है T2 तापमान T1 से कितना ज्यादा है, 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो उसके लिए अपन इस ग्राफ को यहां पर प्रदर्शित करते हैं। अब देखो ध्यान से, इस आरेख से स्पष्ट है कि ताप बढ़ने पर आरेख दाईं ओर खिसक जाता है। देखो ताप बढ़ा तो पहले आरेख यहां था T1 पर, अभी कहां खिसक गया, यहां पर T2 पर। तो देखो क्या हो रहा है कि ताप बढ़ने पर आरेख कहां जा रहा है, दाईं ओर खिसक जाता है, साथ ही ये अधिक चपटा हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिक चपटा। देखो यहां पर इस प्रकार का ग्राफ है, इस प्रकार से घूमता हुआ, और यहां पर ग्राफ बिल्कुल क्या हो गया, फ्लैट होने को है, बिल्कुल क्या है, फ्लैट होने को, यानी कि चपटा हो रहा है। ठीक है, इससे यह ज्ञात होता है कि ताप बढ़ाने पर अणुओं के ऊर्जा वितरण, अणुओं का ऊर्जा वितरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो देखो अणुओं का ऊर्जा वितरण जो था वो क्या था, यहां पर इतना था अणुओं का अंश, इतना था, और यहां पर अणुओं का अंश इतना है। ठीक है, तो देखो आपको क्या पता चलता है कि ताप बढ़ाने पर अणुओं का ऊर्जा वितरण बढ़ जाता है, और दहली ऊर्जा ई युक्त अणुओं का अंश भी बहुत अधिक हो जाता है। देखो पहले दहली ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश इतना था, अभी कितना हो गया, इतना हो गया। देखो T1 तापमान पर इतना था अंश और T2 तापमान पर इतना अंश है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ताप बढ़ाने पर अणुओं का ऊर्जा वितरण बढ़ जाता है, और दहली ऊर्जा ई युक्त अणुओं का अंश भी क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। T1 ताप पर A, B, C और D अंश ही प्रभावी संघट करता था। देखो T1 तापमान पर क्या हो रहा था, इस पूरी लाइन को अपन D माने यहां पर, तो देखो T1 तापमान पर क्या हो रहा था, केवल ये देखो इस चीज को अपन D मान लें, इस पॉइंट को अपन D मान लें, तो T1 तापमान पर तो केवल कितना हो रहा था, ये जो अंश है इसी के पास दहली ऊर्जा थी, यानी कि केवल यही अंश क्या कर रहा था, केवल यही अंश आपका प्रभावी संघट कर रहा था ABCD। ठीक है, परंतु बात करें अपन T2 तापमान पर, तो T2 तापमान पर देखो कौन सा करेगा, A, B, E और D, तो देखो प्रभावी संघटों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर क्या हो रहा है कि T1 तापमान पर A, B, C, D अंश ही प्रभावी संघट करता है, जो T2 तापमान पर बढ़कर A, B, E, D हो जाता है। यह अंश 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर लगभग 2 गुना हो गया है। ये अंश क्या हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर लगभग कितना हो गया है, 2 गुना हो गया है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि का मुख्य कारण कौन होता है, प्रभावी संघट होता है। क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्या होगा, दहली ऊर्जा जो होती है वो आसानी से अणुओं को प्राप्त हो जाती है, और जब आसानी से अणुओं को दहली ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो वो प्रभावी संघट करेंगे, और जब उनके मध्य प्रभावी संघट होता है तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आसानी से वो उत्पाद में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर इस ग्राफ की सहायता से आपको यह बात समझ में आ गई है, क्या समझ में आ गई है कि अभिक्रिया के वेग में वृद्धि का मुख्य कारण कौन है, प्रभावी संघट है। यह चीज आपको यहां से समझ में आती है, ठीक है ना। तो अपन बोल रहे थे कि अभिक्रिया के वेग में वृद्धि का मुख्य कारण जो अपन ने पढ़ा है, मुख्यतः 2 कारण अपन ने पढ़े थे कि ताप बढ़ाने पर एक तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसके कारण वृद्धि हो सकती है वेग में, और एक प्रभावी संघटों की संख्या बढ़ती है, इसके कारण वेग में वृद्धि हो सकती है। परंतु
इन दोनों में से मुख्य कारण कौन सा होगा, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो उस चर्चा को यहां पर जाकर पुष्टि मिलती है कि अभिक्रिया के वेग में वृद्धि का मुख्य कारण कौन है, प्रभावी संघट होते हैं। ये आप लोग इस ग्राफ की सहायता से समझते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये था अपना आज का सेशन, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को मैक्सवेल ओट्ज़मान ऊर्जा वितरण आरेख बता दिया है, साथ ही T1 व T2 तापमानों पर ऊर्जा वितरण के आरेख को प्रदर्शित करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि अभिक्रिया के वेग में वृद्धि का मुख्य कारण प्रभावी संघटकों में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से देखें तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करें, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थियों।